लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के सामने धरना पर बैठ गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाकर महिला थाने ले गई। बताया जा रहा है कि उन्नाव घटना पर अखिलेश यादव विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे, जिससे कि नाराज होकर वर्तिका सिंह अखिलेश यादव के घर के सामने धरने पर बैठ गई। उनका कहना था कि जब यूपी के सीएम अखिलेश यादव थे तब क्या प्रदेश में बलात्कार नहीं होते थे। सच तो ये है कि उनके शासनकाल में सूबे में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान भी दिया था। उन्होंने रेप को लेकर कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव उन्नाव मामले को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर कैसे बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में अखिलेश यादव सीएम योगी और यूपी के डीजीपी से इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तिका सिंह पहले भी विवादों में रह चुकी हैं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी और वर्तिका सिंह के बीच तीखी झड़प हुई थी। वर्तिका सिंह उनके आवास पर बाबरी मस्जिद सहित तीन तलाक के मुद्दे पर मुलाकात कर बातचीत करने के लिए पहुंची थी और बातचीत के दौरान उग्र हो उठी, जिसके बाद पुलिस उनको हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ के लिए लेकर गई। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। थाने क्यों जाऊंगी आप बताइए ना मुझे। अखिलेश जाते पहले आप बताइए जा क्यों नहीं। आप बैठो, बता रहे हैं मैं थाने क्यों चला, आप मुझे पहले बताइए। मैं वर्तिका सिंह, अंतर्राष्ट्रीय शूटर। आज मैं अखिलेश यादव जी के घर के पास एक टेम्पलेट लेके खड़ी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि अखिलेश यादव जी माफी मांगे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। इस वजह से क्योंकि कल मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखा और उसमें लिखा हुआ था कि अखिलेश यादव जी धरने पे बैठे थे और साथ में ही उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश सरकार को डीजीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज जो भी उत्तर प्रदेश में बलात्कार होने इसका जो भी प्रॉपर योगदान है वो योगी सरकार का है। मैं अखिलेश यादव जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप क्या मुख्यमंत्री नहीं थे? आप भी मुख्यमंत्री थे। उस समय आपके पिताजी ने एक अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए किया था, जिसमें उन्होंने बलात्कारियों को ये बोला था कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है, तो आप उस समय कहाँ थे?